कि जो यहाँ पे बोलेगा आंसर देगा उसको हम बाहर निकाल देंगे, और चुपचाप बैठ जाओ और ज्यादा भेजा मत खाओ, दिमाग दिमाग मत खराब, मतलब अभी प्रेम से कह रहे थे, अभी लग रहा है कादिर से जाना पड़ेगा, इसको मजाक मत लो, सीरियस होके बैठो, ये सेशन चल रहा है ना, मजाक बनाओ मत इस सेशन का, ठीक है, सीरियस होके ढंग से बैठो। यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेट आएंगे बैठेंगे, जो भी सेलेक्ट होंगे, टोटल 15 क्वेश्चन किए जाएंगे, उसमें 3 लेवल बनाए गए हैं। पहले लेवल में आपसे 3 क्वेश्चन किए जाएंगे, जब पहला लेवल आप क्रॉस करेंगे तब आप दूसरे लेवल में जाएंगे जिसमें आपको 5 क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है, फिर आप जैसे ही 5 क्वेश्चन का आंसर देते हैं फिर आप तीसरे लेवल में एंटर करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, जो भी बैठेगा यहाँ पे, जो भी आंसर देगा, जैसे जैसे वो लेवल क्रॉस करता जाएगा उसी तरीके से ये प्राइस उसका इंक्रीज होता जाएगा, मतलब तीसरे लेवल तक जाने पर उसकी प्राइसिंग तीसरे लेवल की उसको दी जाए। सो प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये एक प्रोसेस है, स्टार्ट हो रहा है, इस प्रोसेस में क्वेश्चंस मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, इसमें जो भी स्टूडेंट सही जवाब देगा 3 क्वेश्चंस के वो इस हॉट सीट पे आकर बैठेगा, यानी यहाँ पर आना है, और उससे बाकी के क्वेश्चंस किए जाएंगे 15 क्वेश्चंस, जैसे जैसे वो स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा। पहला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, किसको पता है, हम पूछते हैं खुशी से, पूछते हैं कंट्रोल प्लस एच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है, तो चलिए आप बताइए, कंट्रोल प्लस के, सही जवाब है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एमएस वर्ड से ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन की गई फाइल, जो फाइल हम ओपन करते हैं उसको क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है, कितने लोगों का पता है, या यूं कहें कि क्लोज का शॉर्टकट की क्या है, चलिए आप बताइए, सही जवाब है। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 क्वेश्चन के आंसर खुशी ने दे दिया है, खुशी यहाँ पर आए और अपने और सीट पर बैठे, हाँ थोड़ा पानी है, पानी दे दीजिए भाई। तो पहला क्वेश्चन है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, 4 विकल्प है, पहला है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है फाइल ट्रांसफर प्रोवाइडर, तीसरा है फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर पहले से तैयारी सब पढ़े, पहले से ही इनको पता है कि इन्होंने तैयारी की हुई है, आप लोग हंस रहे हो, ठीक है, तो ये सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, तो ताली भी थोड़ा बीच में। तो पहले राउंड का पहला क्वेश्चन हो चुका है और पहले क्वेश्चन का इन्होंने सही जवाब दिया है, दूसरा क्वेश्चन इनके सामने आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन इनके सामने है AEPS, इसका फुल फॉर्म होता है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, फुल फॉर्म में बताते चलता हूं, मैं आधार की कॉपी बार बार स्कैन करना पड़ता है, यहां पर 2 विकल्प दिया गया है इनके सामने कि सही है या गलत है, आपको बताना है कि AEPS में आधार की कॉपी बार बार स्कैन करना पड़ता है
क्या यह सही है या गलत। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, बताइए। इनका कहना है कि ये ऑप्शन ट्रू है, तो हम देखते हैं आगे। कंप्यूटर महोदय से पूछते हैं क्या इन्होंने सही जवाब दिया है या नहीं। ठीक है, तो कंप्यूटर महोदय कृपया बताएं कि इसका सही जवाब क्या है। लॉक कर दे, लॉक कर दिया जाए। इनका जवाब है कि यह सही है, बट कंप्यूटर से पूछते हैं क्या इन्होंने जो जवाब दिया है वो सही है या नहीं। आप बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन अचानक से ही आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत देकर आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। जो है खुशी के लिए जोरदार तालियां। और हम इनवाइट करेंगे दूसरे पार्टिसिपेट को। जो दूसरी पार्टिसिपेट यहाँ पर है वो यहाँ पर आए। कौन? संजना। बैठी बैठी। ठीक है ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ओटीपी का अर्थ है ओपन टाइम पासवर्ड। ओपन टाइम पासवर्ड, क्या यह सही है या गलत। अगला आपका टाइमिंग शुरू होता है अब, सो आप बताइए। गलत। ओपन टाइम पासवर्ड पहला, जैसा कि इनका कहना है कि ओपन टाइम पासवर्ड गलत है, तो लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए या आप चेंज करना चाहेंगे? सर चेंज करना। बाहर से आप लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप बाहर से बोलेंगे तो फिर मतलब क्या है, यहाँ पर जो बैठा है वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, तो वो आप लोगों के पास जाएगा। ठीक है, मैं इनसे पूछूंगा क्या आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनमें से अगर किसी से आप पूछना चाहते हैं तो कोई भी अगर इसमें से बताना चाहे तो बता सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं ठीक है इनके पास। तो जैसा कि इनसे पूछा गया क्वेश्चंस कि ओटीपी का अर्थ है ओपन टाइम पासवर्ड, ट्रू है या फॉल्स, तो आपका क्या जवाब है? ट्रू है। टाइमर इनका चल चुका है, जैसा कि 5 सेकेंड इनका खत्म हो चुका है। इन्होंने बोला है कि ट्रू है, तो हम जरा लॉक कर देते हैं इसको और देखते हैं कि क्या कंप्यूटर महोदय क्या आंसर दे रहे हैं, कि इन्होंने सही बताया है या गलत। ठीक है, तो मैं यहां पर देखता हूं। पहली बार इन्होंने सही बताया था, लेकिन दूसरी बार इन्होंने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। ओटीपी के बारे में जानिए क्या है ना, वन टाइम पासवर्ड होता है। आपको पता होगा कि जब हम किसी ऐसे सिक्योर ऐप का या सिक्योर पेमेंट सिस्टम का यूज करते हैं तो उसमें ओटीपी आता है। ओटीपी इसलिए आता है ताकि आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहे। चलिए, तो ये तो हो गई रिजेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए एक जोरदार तालियां। सिलेक्ट हुआ, चलिए योगेश के लिए एक बार जोरदार तालियां। योगेश आइए आइए आइए, कैप उतार दीजिएगा, टोपी उतार के आइए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मिस्टर योगेश। जो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि आधार बार में कितने डिजिट होते हैं, और चुपचाप बैठ जाओ। पहला है और ज्यादा भेजा मत खाओ। दूसरा है 12, मतलब तीसरा है 11, अभी लग रहा है कादे से ज्यादा, और चौथा है मजाक मत लो 18। सीरियस होकर बैठो, ये सेशन चल रहा है ना, मजाक बनाओ मत, ध्यान रखे सेशन का। ठीक है, सीरियस होके ढंग से बैठो। अभी तक मैं कंट्रोल इसलिए कर रहा था कि जाने दो,
मजाक मत करो, यहाँ बैठा है ना कोई, इसको क्यों बुलाया है, पागल है वो, ठीक है ना, आगे से गलती मत करना, चलने दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये तो चौपट हो गया, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि बीच में ये लोग टपक गए। थोड़ा सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने दो, चलने दो, आएगा ना आंसर, क्या दिक्कत है। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कैल्क में डिफॉल्ट जूम 100% होता है, ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, इनका कहना है कि कैल्क में डिफॉल्ट जूम 100% होता है। कैल्क है क्या है जानिए, लिब्रे ऑफिस, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं वैसे ही लिब्रे ऑफिस में जो एक्सेल होता है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल यूज करते हैं वैसे ही माइक जो है आपका लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है, जो कैलकुलेशन के लिए एक्सेल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि जूम जो होता है, जूम हम करते पेज को, उसकी जूम साइज 100% होती है क्या, या सही है या गलत। इन्होंने बोला है ए की ट्रू है, सही है। बिल्कुल सही जवाब, यानी इन्होंने सही जवाब दिया है और ये पहले क्वेश्चन का आंसर इन्होंने सही दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ईमेल को मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। कह रहा है ईमेल को, जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, क्या हम उसको मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, ट्रू है या फॉल्स, इसका जवाब आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि ट्रू, सही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या इन्होंने सही जवाब दिया है, तो सही जवाब के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर के पास, और बिल्कुल सही जवाब, यानी इन्होंने दो क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल सही सही दिए हैं। पहले राउंड के ये बिल्कुल करीब आ चुके हैं, पहले राउंड में 3 क्वेश्चन है जैसा कि आपको पता है, और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। 4 विकल्प दिया है, मैं चारों विकल्प पहले लेवल को क्रॉस आप कर सकते थे, लेकिन आपका ये जवाब गलत है, ऑप्शन ए सही है इसका। पहला इसका ऑप्शन सही था, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो पहले राउंड में इन्होंने काफी अच्छा 2 क्वेश्चंस के जवाब अच्छे दिए, बट पहला राउंड ही क्रॉस नहीं कर पाए। प्राइस आप लोगों की रखी हुई है, और ये प्राइस आप लोगों की इंतजार करेगी कि अगले सेशन में कौन विनर होता है। आप लोगों के सामने ये प्राइस पड़ा हुआ है, और अगली बार जब ये सेशन स्टार्ट किया जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और मैं उस वक्त का इंतजार करूँगा कि आप लोग जब यहाँ से कोई जो प्रतिभागी है विनर होकर जाएगा, उस वक्त का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहेगा और मुझे भी रहेगा। अगले सेशन तक के लिए आज के इस सेशन को मैं यहीं खत्म करूँगा, क्योंकि आगे अंग्रेजी में क्लाइंट टाइम इज मनी।